वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पर। और आज हम आपके जो चैप्टर 2 है क्लास 9 का बी हाइव किताब का, उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसका फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी कि एवलिन ग्लेनी साउंड सुनती है लेकिन कान से नहीं। बच्चों, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप नहीं हो, यानी कि आप जन्मे हो और उसमें आपकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो सही सलामत है, तो आप बहुत लकी हो। ये ऐसा कोई बात नहीं है कि आपने इसको अर्जित किया है, ये सब चीज़ जन्म से हमें मिलता है। लेकिन ये दुर्भाग्य कह सकते हो कि सभी के साथ ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ जन्म से ही फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, या बाद में जाके कोई भी हादसा होता है तो वो हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, और उनके लिए जो सामने का जीवन है वो नॉर्मल नहीं होता। और हमारे समाज का ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट आप कह सकते हो कि समाज उसको नॉर्मली देख नहीं पाता, उसको अंडर एस्टिमेट कर देता है। तो यहाँ पर क्या है कि उस फिज़िकल इम्पेयरमेंट जिसके साथ है, आप एक बार सोचो, जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उसके दिल के ऊपर कैसा बीतता होगा, वो कैसा महसूस करता होगा जब सोसाइटी उसको अंडर एस्टिमेट करे। यहाँ पर एक कैरेक्टर है एवलिन ग्लेनी, जिसकी सुनने की शक्ति चली जाती है, और सुनने की शक्ति जाने के बाद भी वो म्यूज़िक के फील्ड पर, ताकि वो उसका वो पैशन था, जिस चीज़ में आपका पैशन हो कोई भी चीज़ आपको उसको अचीव करने से रोक नहीं सकती। वो बिना कान से सुने बगैर, क्योंकि उसका ऑडिटोरी सेंसेशन चले जाने के बाद भी वो म्यूज़िक में विशारद होती है, म्यूज़िक में वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। लेकिन कैसे, इसको ही हम जानेंगे इस टेक्स्ट के, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी व्यक्तित्व का नाम हम बता देते हैं, जिसका नाम है हेलेन केलर, जो ठीक से देख नहीं पाती थी, ठीक से सुन नहीं पाती थी, लेकिन उन्होंने कई सारे भाषा सीखे, उसने म्यूज़िक सीखा, उन्होंने जॉब किया, और उनका भी ऐसा ही स्थिति था, एक बीमारी की वजह से उनकी ये सारी शक्ति चली जाती है। लेकिन उसका अगर किताब पढ़ो, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, आप हैरान हो जाओगे उसकी लैंग्वेज देखकर। बहुत बड़े जो साहित्यकार हैं, पोएट हैं, या वो कि एसेइस्ट है, वो उतने अच्छी इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे जितना हेलेन केलर ने लिखा है। हेलेन केलर की जो रिवर का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो वो कोई लिटरेचर से रिलेटेड व्यक्ति उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता। तो ये था इसका बैकग्राउंड। अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऐसा हो सकता है कि भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली, लेकिन उसके बदले में उन्होंने उसको जो दिया वो असाधारण था। वट वी हेयर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ आस, हम में से किसी से भी ज़्यादा। दिस इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि म्यूजिक को इतना अच्छा वो एक्सप्रेस करती है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. नीचे इस व्यक्ति के बारे में पढ़ो जिन्होंने अपने physical disability के साथ लड़ाई की और जीवन को सफल बनाया। हमारे पास तो physically, हम अगर सही हैं तो हमारे पास तो क्या advantage है ये। अब इन लोगों के बारे में सोच लो, इनके physical impairment होने के बावजूद भी ये ज़िंदगी में उसके साथ लड़ाई किया और आखिरकार एक मुकाम को हासिल किया, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म मतलब ज़मीन के नीचे, ये मेट्रो की बात कर रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म में भीड़ भाड़ लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, जॉसल कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन आने वाली है, सभी ट्रेन में चढ़ने वाले हैं। A slight girl, slight का मतलब क्या है, small and thin, मतलब छोटे कद की और एकदम thin, पतली एक लड़की, looking younger
देन हर 17 ईयर्स, यानी कि 17 साल से कम उम्र दिखने वाली ये लड़की वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज ही फील्ड द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. मतलब ट्रेन आने की जो वाइब्रेशन है उसको वो महसूस कर रही थी. वो कहाँ पर, उस प्लेटफॉर्म में खड़ी हो गए और वो बहुत एक्साइटेड थी, वो नर्वस भी थी. क्यों? इसका कारण ये है, इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन. क्योंकि लंडन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ये उनका पहला दिन था. एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. और ये डॉन्टिंग इनफ मतलब एक फ्राइटनिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म. कोई भी टीनेजर जो स्कॉटिश फार्म से आता हो उनके लिए ये बहुत फ्राइटनिंग था, बहुत डरावना था. अब इसको फ्राइटनिंग क्यों कहा गया, मैं आपको बता दूं कि जो स्कॉटिश हैं ये स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड आयरलैंड और इंग्लैंड मिलके होता है ग्रेट ब्रिटेन. तो इंग्लैंड में थोड़ा सा भेदभाव होता है स्कॉटिश फार्म के साथ. आप सोचो अगर यहाँ से आप अमेरिका गए, अमेरिका में किसी यूनिवर्सिटी में आपको जानना चाहिए, मतलब वो बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि मिलने से तो यहाँ पर आपका मौका ज़्यादा है अपने देश में. लेकिन आप बाहर में जाते हो मतलब बहुत सारे लोगों के साथ कम्पीट करते हो, वहाँ के स्टूडेंट के साथ भी कम्पीट कर रहे हो और इंटरनेशनली सभी अमेरिका जाना चाहते हैं तो उनके साथ भी कम्पीट कर रहे हो, तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हुआ ना. तो ये स्कॉटिश जो है स्कॉटिश फार्म से वो फ्रेश आ रही है तो उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था. इवेलिन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. इवेलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. धीरे धीरे वो अपनी सुनने की शक्ति खोती चली गई. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वेन द 8-year-old इवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. उनके मदर को ये तब पता लगा, उन्हें ये तब नोटिस किया था जब 8 साल का उम्र था इवेलिन का. इवेलिन को पियानो बजाने के लिए बुलाया जा रहा था. उन लोगों ने इवेलिन का नाम पुकारा एंड शी डिड नॉट मूव. और इवेलिन वहाँ से हिली नहीं. तब ज़रूर कुछ गड़बड़ था ये महसूस हुआ उनकी मम्मी को. आई सडनली रियलाइज दैट शी हैडंट हर्ड. और तभी मुझे लगा कि शायद इवेलिन को सुनाई नहीं दे रहा है. ये किसने कहा? इसाबेल ग्लेनी. इसाबेल ग्लेनी इवेलिन ग्लेनी की मम्मी. तो इसाबेल ग्लेनी को तभी महसूस हो चुका था कि इवेलिन के साथ सुनने का कोई प्रॉब्लम है क्योंकि उसका नाम पियानो बजाने के समय बुलाया गया लेकिन फिर भी वो मूवमेंट नहीं की. अगर आप मूवमेंट नहीं करते हो तो मतलब आपको सुनाई नहीं दिया वहाँ पर. फॉर ए क्वाइट वाइल इवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. और वो जो धीरे धीरे अपनी सुनने की शक्ति खो रही है वो अपने दोस्तों से छुपाने लगी, अपने टीचर से छुपाने लगी. बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड and her headmistress asked her parents to take her to a specialist. यानी कि अब इसके बाद इसके इम्पैक्ट क्या हुआ जब इवेलिन ये सारे बात, क्योंकि आप डिफ हो, आप ब्लाइंड हो, या आप किसी को बताना नहीं चाहते, या आप इसको आप छुपाना चाहते हो, ऐसा ही इवेलिन करना शुरू कर दिया. और इवेलिन के मार्क्स जो है, मार्क्स मतलब उसके स्कोर जो है एग्जाम के, वो घटने लगे. तो वहाँ की जो स्कूल अथॉरिटी है, स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, किसी डॉक्टर को दिखाइए. इट वॉज देन डिस्कवर देर आर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल डैमेज. यानी कि धीरे धीरे उसकी सुनने की जो शक्ति है वो डैमेज हो रही है, वो ख़राब हो रही है. दे वर एडवाइज्ड that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf. मतलब hearing aid जो है कान में जो लगाते हैं सुनने के लिए, एक मशीन होती है उसे लगाया जाता है, तो उसको hearing aid कहते हैं. और उसको जो deaf का स्कूल होता है मतलब जो सुन नहीं पाते उनका अलग स्कूल होता है, तो वहाँ पर उनको भेजा जाए. but Evelyn was not going to give up. अच्छा deaf, यहाँ पर इस लास्ट लाइन को देखो. Everything suddenly looked back, says Evelyn. Evelyn ने कहा कि अचानक सब कुछ अंधेरा सा छा गया कि मुझे, मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ नहीं पाती, मुझे डीफ स्कूल में जाना पड़ेगा. बट Evelyn was not going to give up. लेकिन Evelyn हार नहीं मानने वाली थी. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. Evelyn ने यह ठान लिया कि वो नॉर्मल लाइफ जिएगी और म्यूजिक में जो उनका इंटरेस्ट है
उसका लक्ष्य है उसको वो हासिल करके ही रहेगी. वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू. ज़ाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको यहाँ पर दिखाई जा रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रो ऑफ वुडन बार्स एंड डिफरेंट लेंथ. वुडन बार, डिफरेंट लेंथ का वुडन बार, आप देख सकते हो सभी का लेंथ सेम नहीं है. ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है. तो एक लड़की वो ज़ाइलोफोन वहाँ पर बजा रही थी, तो उसने उसे नोटिस किया. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकशनिस्ट रॉन फॉर स्पॉटेड हर पोटेंशियल. ज़्यादातर टीचर्स ने उन्हें डिस्करेज किया, मतलब उत्साह नहीं दिया कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकती, वो सुन नहीं सकती थी. लेकिन वहाँ पर एक परकशनिस्ट है, परकशनिस्ट मतलब ड्रम, हाँ डैश उसको बजाते हैं ना, उसे हम परकशनिस्ट बोलते हैं. तो रॉन फोप्स जो थे, रॉन फोप्स ने उसकी पोटेंशियल को जाना, उसकी शक्ति को जाना. ही बिगैन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. मतलब उसने क्या किया कि जो दो बड़े बड़े ड्रम्स है वो डिफरेंट नोट पे बजाने लगे. एंड डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और उन्होंने कहा कि अपने कानों से मत सुनना, Try to sense it in some other way. दूसरे तरीके से इसे महसूस करने की कोशिश करो. Says Evelyn, और Evelyn कहती है, Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower the waist down. Evelyn तब कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमर जो higher drum है उसको कमर के ऊपर पर मैं महसूस कर रही हूँ. कमर के ऊपर जो vibrations है वो कमर के ऊपर तक पहुँच रहे हैं, जो हायर ड्रम है, और जो लो ड्रम है वो कमर के नीचे पे उसको महसूस कर पा रहा हूँ. फोब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फोब ने इसको बार बार करवाया. एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस अ सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और इवलिन इसके बाद ये महसूस कर गई कि वो डिफरेंट नोट को सेंस कर सकती है अपने बॉडी पर. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस. साउंड और वाइब्रेशंस को मैं महसूस कर सकता हूँ. दैट वॉज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क मतलब इसको आपको डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के द्वारा इसके ऊपर और भी आप कैपेबल हो सकते हो. मतलब बाकी तो शियर डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क के ऊपर है, आप ये महसूस कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आपको मास्टरी अगर करना है, आप फील कर सकते हो, लेकिन मास्टरी मतलब इसको आप अगर कंट्रोल करना चाहते हो, इसके द्वारा आप कोई क्रिएटिव चीज करना चाहते हो, तो आपको डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क रखना होगा, तब जाके इस मुकाम पे आप पहुंचोगे. सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, सी टूर द यूनाइटेड किंगडम. उसके बाद से और पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा, मतलब वो आगे बढ़ती रही. शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वो यूनाइटेड किंगडम गई. एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. और जब 16 साल की उनकी उम्र हुई तब उसने म्यूजिक को अपना जीवन बनाया. शी ऑडिशंड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक पे अपना ऑडिशन दिया. एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, उस एकेडमी के हिस्ट्री पे सबसे हाइएस्ट मार्क्स स्कोर किया उन्होंने. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, मतलब ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंस धीरे धीरे वो करती रही. एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और 3 साल के कोर्स खत्म होने के बाद टॉप अवार्ड्स जो है उनको मिला, एवलिन को मिला. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. तो इसको जब ये सब कुछ हो रहा था तो एवलिन ने ऐसा नहीं कहा कि ये बहुत बड़ा कुछ कर चुकी है, अहंकार नहीं था उसके अंदर में. उसने सिर्फ ये कहा कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठोर मेहनत करते हो एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और अगर आपको ये महसूस होता है कि आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो आप ज़रूर पहुँचोगे वहाँ. आपको क्या करना है लाइफ में, अगर आप एक बार जान गए, आप बहुत मेहनत कर सकते हो, तो आप उस जगह पे पहुंच सकते हो. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट. 1000 इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर उनका मास्टरी था. हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इतना बढ़िया वो बजाती थी कि इंटरनेशनल मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से उनको बुलाया जाता था, उनको इन्वाइट किया जाता था उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए. It's intriguing to watch Evelyn
फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. ये देखना बहुत मज़ेदार था, फैसिनेशन क्यूरियस. लोग जब जानेंगे कि ये इनको सुना ही नहीं देता तो उनका उनको म्यूजिक सुनने का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा रहेगा. तो इन इन आवर टू आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. और दो घंटे की जब हमने डिस्कशन किया तब एक भी वर्ड मिस नहीं किया. मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल. तो जो बुशी बियर्ड के मेल है उसने मुझे बहुत परेशान किया. सी लाफ्ड. इट इज ये जो आप देख रहे हो एवलिन ग्लेन, ठीक है. इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस. आपको सिर्फ होठ देखना है, मतलब सिर्फ होठ देखना बात नहीं है, आपको होल फेस देखना होगा, स्पेशली द आईज, आंखों को देखना होगा. सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लिल्ट. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. मतलब मेरा स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि 11 साल तक मैं सुन सकती थी. शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. यानी कि उसने फ्रेंच, इसके बाद भी तो फ्रेंच सीखा, जापानीज़ में बेसिक में उनका नॉलेज बहुत अच्छा है. मतलब ऐसा नहीं कि वो ये कह रही थी कि स्पीच में अच्छी बोल सकती हूँ इसलिए क्योंकि 11 साल की उम्र तक तो मैं सुन सकती थी, तब तक तो मैं सुन सकती थी इसलिए बोल सकती थी. लेकिन उसके बाद उन्होंने जापानी सीखा, फ्रेंच सीखा. जापानी के ऊपर तो बेसिक कोर्स में मास्टर ही है, मतलब वो बहुत अच्छी जापानीज़ का बेसिक बोल सकती है. तो ऐसा तो इसके बाद जब सुनने की शक्ति गई तो इसके बाद तो ये करना बहुत मुश्किल है. तो लेकिन उसका कोई उनका कोई अहंकार नहीं, वो ये बोल रही है कि हाँ मैं अच्छा कर पाई कि 11 साल की उम्र तक तो मैं सुन पाती थी. एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन इट पोर्स इट थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. सारे इसने म्यूजिक को ढाल दिया मेरे बॉडी पे, ऐसा महसूस होता है. टिंगल्स इन द स्किन, स्किन में टिंगल साउंड होता है. माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, मैं चीक बोन पे और मेरे हेयर पे भी महसूस कर सकते. व्हेन शी प्लेज द ज़ाइलोफोन, ज़ाइलोफोन जब वो प्ले करती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू द फिंगरप्रिंट्स. और जैसे ज़ाइलोफोन में जैसे साउंड फिंगर टिप्स पे चला जाता है, स्टिक कर जाता है. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. जब ड्रम पे के पास वो झुकती है अपने बॉडी पे, उसकी रेजोनेंस महसूस करती है, वाइब्रेशन महसूस कर सकती है. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. और जब वो ये परफॉर्म करती है तो वुडन प्लेटफॉर्म रहता है, मतलब लकड़ी का प्लेटफॉर्म लेता है, और फिर वाइब्रेशन उनकी उस लकड़ी के प्लेटफॉर्म से उसके बॉडी में वो पास करता है. बहुत बड़ी बात है, आप सोचो. तो मैं तो यहाँ पर ज़्यादातर मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा रॉन फोर्ब्स को, क्योंकि रॉन फोर्ब्स ये चीज़ जानते थे कि म्यूज़िक बना सुने भी उसको उसके ऊपर मास्टरी की जा सकती है वाइब्रेशन को महसूस करने के. उनको वो ज़रिया ढूंढा कि अगर कोई फिजिकली इम्पेयर्ड है तो फिर उनको उनको अपने लक्ष्य को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता. ये रास्ते को दिखाया रॉन फोर्ब्स ने. तो उनका बहुत टीचर का जो यहाँ पर रोल है, जैसा एनी मिस सुलिवन का रोल था हेलेन केलर के लाइफ में, ठीक उसी तरीके से रॉन फोर्ब्स का रोल है इवलिन के लाइफ में. नॉट सरप्राइजिंगली इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस इन 1991. तो इवलिन अपने जो ऑडियंस थे उनको बहुत खुशी देती थी. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. और ये जो फिलहारमोनिक सोसाइटी है उसे सोलोइस्ट का अवार्ड मिला. से इस मास्टर पर्कशनिस्ट जेम्स प्लेट्स, तो जेम्स प्लेट जो मास्टर पर्कशनिस्ट है जेम्स प्लेट्स, वो ये कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. भगवान उसके हियरिंग छीन सकते हैं लेकिन उसके बदले में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ दिया भगवान ने. व्हाट वी हियर सी फील, जब हम सुनते हैं वो महसूस करती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. और हम जो महसूस करते हैं ना सुनने वाले लोग, उससे ज़्यादा गहरा महसूस करती है वो. दिस इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. और यही कारण है कि म्यूजिक को इतनी अच्छी तरीके से वो एक्सप्रेस कर पाती है. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. वो बहुत मेहनत करती है. I've just got to work often harder than classical musicians. मतलब क्लासिकल म्यूजिशियन से उससे भी मैं ज़्यादा मेहनत मुझे करना पड़ा. बट द रिवॉर्ड्स आर enormous. लेकिन मुझे मिला भी बदले में बहुत कुछ. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स Evelyn also gives free concerts in prisons and hospital. प्रिजन और हॉस्पिटल में वो जाके फ्री कॉन्सर्ट करती थी, वहाँ पर जाके पैसा नहीं लेती थी. प्रिजन में जो लोग सज़ा काटते हैं उनको भी
और जब ये महसूस होता है कि उन्होंने गलती किया है और यहाँ पर वो अफसोस करते हैं तो वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। वहाँ पर जाके उन लोगों को फ्री कॉन्सर्ट देना, हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स हैं उनको जाके फ्री कॉन्सर्ट देना। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, यंग म्यूजिशियन के क्लासेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी जो नए नए सीख रहे हैं। एनी रिचलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन, डीफ चिल्ड्रेन का बेथोवन फंड को चलाती थी एनी रिचलिन, वो ये कहती हैं कि शी इज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन, दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन गो। मतलब जो डीफ चिल्ड्रेन है उनके लिए तो बहुत बड़ा प्रेरणा है एवेलिन ग्लेनी, क्योंकि डीफ चिल्ड्रेन जब उनको देखते हैं तब उन लोगों को ये महसूस होता है, ये प्रेरणा मिलता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते। एवेलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, और एवेलिन ग्लेनी ने जो अपने जीवन में जो उपलब्धियाँ हासिल की है वो उनके मतलब उनके दुगने एज पे भी लोग उतना उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते। शी हैज़ ब्रॉट पर्कशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, जो पर्कशन है उसको सामने लाया एवेलिन ने और ये दिखा दिया कि ये कितना मूव कर सकता है आपको। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन प्रेरणा है एवेलिन ग्लेनी। पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, लोग तो उनको देखते हैं और ये कहते हैं कि अगर वो लोग नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते तो मैं कर सकता हूँ। नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजेस टू मिलियंस, मतलब लाखों लोगों को बहुत खुशी दी एवेलिन ने। और इसी के साथ ही ये टेक्स्ट जो है यही पर समाप्त होता है, जेबोरा कावले के द्वारा लिखा हुआ। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही।